फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एक काफी ग्रोइंग सेक्टर है। मार्केट सिनेरियो की अगर हम बात करें तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री दिन प्रतिदिन ग्रो कर रही है। अगर आप इस सेक्टर में अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो IID इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आपके लिए लेकर आया है एक पोर्टेबल मल्टीपर्पज फूड प्रोसेसिंग यूनिट, जिसकी मदद से आप एक ही मशीन में डिफरेंट वैरायटी के प्रोडक्ट्स तैयार कर सकते हैं। आप एक ही मशीन की मदद से वैरायटी ऑफ फ्रूट जूस, परफ्यूम, ऑयल, जेल, सोप, शैम्पू, केचप, फेस पैक इत्यादि तैयार कर सकते हैं। आप चाहे तो इस मशीन को सोलर एनर्जी से भी ऑपरेट कर सकते हैं। चलिए जानते हैं इस इनोवेटिव मशीन के इस्तेमाल से आप कैसे अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। मैं किसान धर्मवीर, गांव दामला, जिला यमुनानगर से हूं और अपने गांव में मैं बचपन से ही यहीं पर खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ हूं। मशीन बनाने में भी अब मैं जो चाह रहा था कि एक मशीन इस तरह होना चाहिए, वो कुकर भी हो मेरी मशीन, वो जूसर भी हो, ग्राइंडर भी हो, पल्पर भी हो, ये मशीन एक ऑटोक्लेव भी हो और इसी में हम फलों के जूस भी निकाल सकें, इसमें फलों के जैम भी बना सकें और इसमें हम कोई भी नेचुरल परफ्यूम निकाल सके, चाहे वो संतरे की परफ्यूम है, चाहे वो तुलसी का अर्क है, तुलसी का तेल है, पुदीने का, धनिया का, हल्दी का, अदरक का, ये सभी तेल इसमें निकाल सके। तो इस तरह की मशीन बननी शुरू हो गई और इसको बनाने में हमारे 11 महीने लग गए। टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर। इस मशीन की मदद से आप कोई भी फ्रूट्स या हर्ब्स को प्रोसेस करके अलग अलग प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। जैसे आप तुलसी की मदद से तुलसी ऑयल, तुलसी वाटर, तुलसी टी इत्यादि तैयार कर सकते हैं। उसी प्रकार से आप आंवला जूस, आंवला कैंडी, आंवला ऑयल भी तैयार कर सकते हैं। साथ ही आप सोया मिल्क, पीनट बटर, फेस पैक, सोप, क्रीम, सैनिटाइजर इत्यादि भी तैयार कर सकते हैं। एरिया। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको लगभग 600 स्क्वायर फीट से 1000 स्क्वायर फीट एरिया की आवश्यकता होगी। मशीन। मल्टीपर्पज फूड प्रोसेसिंग मशीन के डिफरेंट टाइप्स के मॉडल्स हैं, जिसकी कॉस्ट उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वैरी करती है। सबसे छोटी मशीन की कॉस्ट लगभग 45,000 है, जिसकी मदद से आप एक घंटे में लगभग 40 किलो तक का प्रोडक्शन कर सकते हैं। हमारा मांग मशीनों की बढ़नी शुरू हुई, हम जाकर के लोगों को ट्रेनिंग देते भी, टमाटर से टमाटो केचप कैसे बनेगा, चिली से चिली सॉस कैसे बनेगा और एलोवेरा जूस कैसे बनेगा, आंवले का बीज नहीं टूटेगा, आंवले से आंवला स्वीट, आंवला हेयर ऑयल, एलोवेरा से एलोवेरा जेल, एलोवेरा शैम्पू, एलोवेरा साबुन और जो हिल एरिया है, जैसे आपका हिमाचल है या मणिपुर इम्फाल है या सिक्किम है, जहाँ पर संतरा या माल्टा या नींबू इस तरह के, इनके भी जूस निकालना और इनका बीज नहीं टूटता, ताकि बीज से ना टूटने की वजह से जूस कड़वा नहीं होता और जो संतरे का छिलका या माल्टे का छिलका है उससे फिर उसका तेल निकालना, उसे फिर साबुन बनाना संतरे का या माल्टे के छिलके से या फेस प्रोडक्ट बनाने। 55,000 की मशीन की मदद से आप एक घंटे में लगभग 50 से 55 केजी का प्रोडक्शन कर सकते हैं। 90,000 की मशीन की मदद से आप एक घंटे में लगभग 75 किलो का प्रोडक्शन कर सकते हैं। 1,25,000 की मशीन की मदद से आप 125 किलो का प्रोडक्शन एक घंटे में कर सकते हैं। वही 1,85,000 रुपए की मशीन की मदद से आप एक घंटे में 200 किलो का प्रोडक्शन कर सकते हैं। मेरा नाम प्रिंस है, आप सभी को नमस्कार। और ये जो आप मशीन देख रहे हो, ये मल्टीपर्पज मशीन है। ये जैसे कि आज हमने इसका डेमो किया है एलोवेरा पे, फर्स्ट डेमो इसका सोलर पे हमने आज किया है, सोलर एनर्जी से। अभी तक हम सिंपल इससे बिजली से ऑपरेट, 2 HP की मोटर इस मॉडल में लगती है और हमने 600 वाट का सोलर का इसमें यूज़ करके मोटर और 2 पैनल से इसको स्टार्ट आज कर दिया है, ताकि आने वाले समय में हम सोलर के ऊपर भी इस मशीन से जिन इलाकों में लाइट की प्रॉब्लम है या जो हिल एरिया है या जो रूरल एरिया है, वहाँ पे भी ये मशीन बिना बिजली के सिर्फ सोलर से हम इसको चला के अपना काम कर सकते हैं। ये जो मशीन है, ये अभी सबसे बड़ा मॉडल है। इसमें हमारे पास 4 से 5 मॉडल हैं डिफरेंट। जो सबसे छोटा मशीन है उसका जो ये टैंक है वो 12 लीटर का टैंक है, 1/2 HP की मोटर है और 1.5 किलोवाट का उसमें हीटर है। एक घंटे में 30 से 40 लीटर वो जूस बनाता है और एक घंटे में 1.5 लीटर अरक भी निकालता है।
और उससे बड़ा है फिर 75,000 का भी है, 90,000 का भी है, ये जो मॉडल है 1,80,000 का, इससे छोटा 1,25,000 का भी है। 4-5 मॉडल हमारे पास है, GST इस पर एक्स्ट्रा रहती है 18%। और ये जो मशीन है, इस मशीन में हम एलोवेरा जूस तो आपने देख ही लिया, इसी मशीन से हम आंवला का जूस क्रश करके वो भी बनाते हैं, आंवले का हेयर ऑयल भी बनाते हैं, इसी मशीन से हम करेला जूस, जामुन का जूस, ये 1 घंटे में 200 लीटर तक बना देती है। इसमें एलोवेरा का अरक निकाल के हम उसका नहाने का साबुन, शैम्पू, हैंड वॉश, इस तरह के प्रोडक्ट भी हम बनाते हैं। इसमें एसेंशियल ऑयल, एरोमेटिक ऑयल के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। और यहाँ से इसमें ये पीछे कंडेंसर होता है, जो भी इसमें बॉइलिंग होता है, ये डबल जैकेटेड है मशीन, इसके चारों तरफ तेल भरा रहता है। और पहले जो हीटर है वो तेल को गर्म करता है, तेल अंदर की जैकेट को गर्म करता है ताकि जो भी इसमें सामान पके वो जले ना, उसके जो नेचुरल कंटेंट है वो उसी में रहे, वो खराब ना हो। रॉ मटेरियल, क्योंकि ये मशीन मल्टीपर्पज फूड प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है, इसके लिए आप डिफरेंट तरीके के हर्ब्स, फ्रूट्स इत्यादि का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही आपको पैकेजिंग मटेरियल की आवश्यकता होगी, जिसकी मदद से आप अपने बनाए प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग करके उसे मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट, अगर आप इस बिजनेस को सबसे छोटी मशीन की मदद से शुरू करते हैं तो आपको लगभग 1,00,000 रुपए तक की आवश्यकता होगी। वही अगर आप इस मशीन को 1,80,000 की मशीन से शुरू करते हैं तो आपको इस बिजनेस के लिए लगभग 3,50,000 रुपए तक की आवश्यकता होगी। लाइसेंस, इस बिजनेस के लिए आपको FSSAI लाइसेंस, GST नंबर और उद्योग आधार की आवश्यकता होगी। मार्केटिंग, आप चाहें तो अपने इनोवेटिव प्रोडक्ट्स तैयार करके अपने ब्रांड नेम और लोगों के साथ इसे लोगों को बेच सकते हैं। साथ ही आप ऑनलाइन मार्केटिंग करके भी अपने प्रोडक्ट्स को सप्लाई कर सकते हैं। आपकी प्रॉफिटेबिलिटी आपकी मार्केटिंग और आपके बनाए हुए प्रोडक्ट्स पर भी डिपेंड करती है। प्रॉफिटेबिलिटी, अगर आप फॉर एग्जाम्पल एलोवेरा जूस का प्रोडक्शन करते हैं तो 45,000 की मशीन की मदद से 8 वर्किंग आवर पर डे के हिसाब से आप लगभग 5,000 से 6,000 का नेट प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। और इसमें टेम्परेचर कंट्रोलर भी हमने दिया हुआ है, ताकि जैसे हमने कोई कुछ प्रोडक्ट है, मैं ब्लैक गार्लिक की बात करूँ, अगर मैं काला लहसुन, इसको हम नॉर्मल गार्लिक को इसी मशीन में 1 हफ्ते 8 दिन या 10 दिन के 9 दिन के लिए रखते हैं। 80 डिग्री टेम्परेचर हम उसका सेट कर देते हैं और उसमें कुछ पानी भी रखते हैं। जब नॉर्मल जो लहसुन है, गार्लिक है, वो 80 डिग्री टेम्परेचर पे 9 दिन के लिए रहती है। प्रोसेस, चलिए अब देखते हैं एलोवेरा जूस के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को। सबसे पहले एलोवेरा की कटिंग की जाती है और इन्हें एक बकेट में कलेक्ट कर लिया जाता है, जिसके बाद इसे मल्टी फंक्शनल मशीन में डाला जाता है। आप इस मशीन में इसके पैनल के मदद से स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, जिसके बाद इसे हीट करने के बाद इसमें प्रिजर्वेटिव ऐड किया जाता है। प्रिजर्वेटिव्स ऐड करने के बाद, इसे ठंडा करने के बाद, इसे पैक करके मार्केट में सप्लाई करने के लिए भेज दिया जाता है। इस मशीन को ऑपरेट करना काफी आसान है, साथ ही आप इस मशीन की मदद से कई तरीके के डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी रेडी कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, इस बिजनेस के लिए आपको लगभग 5 से 12 किलोवाट बिजली की आवश्यकता होगी। आप चाहे तो सोलर एनर्जी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैन पावर, इस बिजनेस के लिए आपको लगभग 3 से 4 मैन पावर की आवश्यकता होगी, जिसमें से 1 स्किल्ड, 2-3 अनस्किल्ड हो सकते हैं। IID इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किसी भी बिजनेस को शुरू करने और सफलतापूर्वक चलाने में आपका पूरा सहयोग देगा। अगर आपको इस बिजनेस को शुरू करने के लिए किसी भी एक्सपर्ट एडवाइस की जरूरत है तो आप स्क्रीन पर दिए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर या लिंक्स के थ्रू हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप हमारी वेबसाइट www.iid.org.in पर भी विजिट कर सकते हैं।